चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखिए, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है उसका एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसका एडजस्टमेंट थोड़े डिफरेंट है, जैसे हम लोग रेगुलर एडजस्टमेंट करते हैं उससे थोड़े डिफरेंट एडजस्टमेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो वीकली ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले अराउंड 3 o'clock के आसपास जो मैंने आपके साथ ट्रेड किया है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है, तो सो दैट कि आप जब मैं फ्यूचर में टेलीग्राम चैनल में इसके एडजस्टमेंट डालूं तो आपको क्लियरली समझ में आ सके, राइट। और एक दूसरी चीज की लास्ट वीक हमारा काफी ज्यादा खराब गया, मिजरेबली हमारा ट्रेड फेल हो गया था। एक्चुअली मैं उस ट्रेड को एडजस्ट करने वाला था, मतलब जिस तरह से मैंने सोचा था कि एडजस्ट करूंगा उस तरह से मार्केट बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हो गया मेरे एडजस्टमेंट लेवल से, तो उस वजह से वो ट्रेड खराब हो गया। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो लॉस हुआ है अराउंड 4600-4700 के आसपास का या 5000 के आसपास का पर लॉट में, उसको आने वाले 1-2 ट्रेड में मैं उसको कवर कर सकूं, सो दैट कि जो मेरी भी साइकोलॉजी एक्चुअली पर लॉट के हिसाब से जो इतना बड़ा लॉस कभी हुआ नहीं था मुझे। यूजली अगर लॉस होता भी 700-800 का होता था कैलेंडर में यूजली, अभी ये जो थोड़ा बड़ा लॉस हुआ है तो इसको हम लोग 1-2 वीकली ट्रेड में इसको कवर कर लेंगे, राइट। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ तो अभी आने वाले 1-2 वीक में उस लॉस को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, अब देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए ये ट्रेड को समझना जरूरी है, पहले तो मैं आपको चार्ट दिखा दूं सो दैट कि आपको समझ में आ सके कि अभी हमारा क्या लेवल रहने वाला है। मैं इसमें डेली कैंडल लगा देता हूं, तो आप डेली कैंडल से देखेंगे तो आपको क्लियरली एक सपोर्ट दिखेगा इसी लेवल पे, जो फरवरी में मार्केट ने लो हिट किया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा 39,450 के आसपास का आपको लो हिट करते हुए दिखेगा मार्केट। तो जो हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बेसिक सपोर्ट जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वो यही है 39,400 के आसपास, और इस ट्रेड में जो हमें रेंज मिल रही है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो 39,500 के आसपास की आपको रेंज मिलेगी। तो 100 पॉइंट नीचे जाके एक एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, नीचे की तरफ हार्डली जहाँ तक चांसेस है कि हमको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर मार्केट नीचे गया तो। ऊपर की तरफ भी हम लोग रेंज देख लेते हैं, तो देखिए 3-4 दिन की अगर आप रेंज निकालेंगे ऊपर की तरफ तो आपको ये जो रेंज है यहाँ पे आपको 41,500 के आसपास की रेंज मिलेगी। ये यहाँ पे आपको ये जो रेंज मिलेगी 41 जो पहला आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपका बहुत ऊपर है, काफी ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मार्केट में अभी ये रेजिस्टेंस, ये जो आपने यहाँ पे करेक्शन देखा ये नेगेटिविटी की मार्केट की वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद जो रिकवरी होगी इतनी बड़ी रिकवरी होने के चांसेस कम है। तो जो हमारे लिए पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 40,500 का ही आपको मिलेगा, जो पहला आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा वो 40,500 का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेड में तो 40,500 ऊपर की तरफ हमारे पास रेंज है, तो ऊपर की तरफ तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है नीचे की तरफ हमें अपना एक बार को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, राइट। तो ये इस ट्रेड में मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अब आपको ये समझना है कि इसके एडजस्टमेंट कैसे करना है। देखिए अगर आप टेलीग्राम देखेंगे, अच्छा एक चीज और, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसी में मैं अपने वीकली और मंथली ट्रेड डालता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे यूजली आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने 2 lot में पुट कैलेंडर किया हुआ है, 2 lot में मतलब कि मैं यूजली क्या करता हूँ जब भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ तो 1 lot के हिसाब से करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 lot लिया हुआ है। इस 2 lot का लॉजिक समझिएगा, इसमें एडजस्टमेंट के टाइम पे ये काम आएगा, जब भी आपको एडजस्ट करना है अगर चाहे वो मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, जब भी आपको एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप 1 lot इसमें से क्लोज करेंगे, राइट। यहाँ पे आपके पास 2 lot है, 1 lot क्लोज करेंगे, अगर मार्केट नीचे गया तो इसमें से 1 lot क्लोज करेंगे, हाफ क्वांटिटी क्लोज कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास 10 lot में आपने ट्रेड किया हुआ है तो अगर आपने 10 lot में ट्रेड किया है तो जब भी मार्केट नीचे जाएगा आपको एडजस्टमेंट करना होगा, तो आप इसमें से 5 lots क्लोज कर देंगे, 5 lot एज इट इज रहने देंगे, 5 lot क्लोज कर देंगे, और 5 lot की जगह पे आप नीचे यहाँ पे एक 39,500 पे एक और पुट कैलेंडर बना देंगे। सिंपली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको इसमें से अगेन, अगर आपके पास 10 lot है तो 10 lot में से 5 lot आप क्लोज करेंगे, और एक कॉल कैलेंडर, अगर ऊपर गया है तो आपको कॉल कैलेंडर बनाना है, नीचे गया है तो आपको पुट कैलेंडर बनाना है, राइट। तो अगर ऊपर गया है तो आप क्या करेंगे, इसमें से 10 lot अगर आपके पास है तो आप 10 lot में से 5 lot क्लोज करेंगे और 5 lot का एक कॉल कैलेंडर बना देंगे 40,000
500 पे। ये देखिए अभी जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ये टेम्परेरी लेवल है, मतलब सिर्फ आपको अभी के लिए ये एडजस्टमेंट बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब एक्चुअल एडजस्टमेंट आएगा तो किस लेवल पे आपको एडजस्ट करना है वो लेवल मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब एग्जैक्ट लेवल अभी इसलिए बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये कैलेंडर का ट्रेड है और कैलेंडर के ट्रेड में विक्स ऊपर नीचे होती रहती है, आपकी रेंजेस रेंज जो है वो भी काफी कभी 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 बदलती रहती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कब आपको ज्यादा डेबिट पे करना पड़ रहा है कॉल साइड में, कब आपको पुट साइड में ज्यादा डेबिट पे करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि कैलेंडर के ट्रेड में आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो कॉल साइड में कब करना है और किस लेवल पे करना है, अगर नीचे करना है तो पुट साइड में एडजस्टमेंट करना है और किस लेवल पे करना है, तो उसके उसके सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो ये वीडियो छोटी सी थी, इसमें बस मैं मुझे आपको ये अपडेट देना था कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। और एक चीज और मैं आपसे एक चीज और सजेशन मांगूंगा, मेंटोरशिप अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्च मंथ में मेंटोरशिप स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंटोरशिप लिख दीजिए, सो दैट कि मुझे समझ में आ सके कि आपको मेंटोरशिप चाहिए और तो उसके बाद मैं प्लान कर सकूं कि मार्च मंथ में मेंटोरशिप लेके आना है कि नहीं, राइट? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेंटोरशिप चाहिए कि नहीं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जो आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ आपके लिए हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।